हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोग का शेयर करने वाली हूँ सिर्फ एक क्लचर की मदद से ब्यूटीफुल सा बन हेयर स्टाइल। तो कैसे करना है, इतने छोटे बालों में इतना बड़ा क्लचर कैसे यूज करेंगे, फुल डिटेल देने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिव्यू दे देती हूँ। ये है गुड वाइब्स का फेशियल सीरम, विटामिन सी विटामिन बी थ्री जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैंने मीशो से मंगाया है, ये मुझे 180 में पड़ा है। इसका MRP रेट जो है वो 240 है। तो दुकान से लोगे तो आपको महंगा पड़ सकता है, ऑनलाइन आप बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाके इजिली बाय कर लीजिएगा। बहुत ईजिली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, अच्छा सा ग्लो देता है और आप डेली तौर पर यूज करते हो तो शायद ये आपके डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को भी रिमूव कर दे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्रेडिंग भी काफ़ी बढ़ गई है तो ये मैं शाम को रात को 9 बजे लाइव आऊँगी तो अपना थ्रेडिंग करूँगी। तो चलिए पहले हेयर स्टाइल कर लेते हैं। फ्रंट से मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं बता रही हूँ, बैक का बता रही हूँ। तो आप बैक में किस तरीके से आपको ये क्लचर यूज करना है वो बता देती हूँ। तो बैक में मैंने पहले से ही रबर बैंड लगा रखा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, सॉरी, इस तरीके से कर लिया था कि मुझे मिरर में दिखता रहे कि मैं कैसे हेयर स्टाइल बना रही हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा हेयर का पार्ट खींच लूंगी और क्लचर को लूंगी इस तरीके से और अंदर की तरफ से इनसाइड इंसर्ट करूंगी इसको, जो पोनी का हेयर है उसमें, और कुछ इस तरीके से स्कैल्प के साथ इस तरीके से लगा दूंगी। उसके बाद बाकी हेयर को इस तरीके से फैला दूंगी। ओके, काफी इजीली बन जाता है और सबसे अच्छी बात है कि आपके छोटे बालों में भी ये बन जाता है। इसका लुक जो है वो बैक एंड फ्रंट दोनों ही काफी अच्छे लगेंगे और जो बचे हुए हेयर हैं इनको ट्विस्ट करके और यहीं पे यूपिन की मदद से सिक्योर कर देंगे, नहीं तो आप इसको क्लचर के अंदर भी या फिर यूपिन लगाना है तो आप यूपिन लगा दो, क्लचर के अंदर इंसर्ट करना है तो कुछ इस तरीके से कीजिएगा, अगर यूपिन नहीं लगाना है तो। ओके, ताकि थोड़ा सा ये डिफरेंट लुक दे आपका हेयर स्टाइल का। तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा आपका बैक से, और अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए तो आप एक दो क्लचर ऐड कर लीजिएगा। वैसे तो ये अगर लंबे बाल रहेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट शॉर्ट हेयर के लिए मैं एक क्लचर की मदद से ये बन बताया है मैंने। कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बैक से कुछ ऐसा लुक आएगा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ईजी है। मार्केट वगैरह जा रहे हो और जल्दी से कोई हेयर स्टाइल चाहते हो, बाल छोटे हैं अच्छे नहीं दिखते हैं, तो आप इस तरीके से बन बना के जा सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का ये बन हेयर स्टाइल सिर्फ एक क्लचर से, वो भी छोटे बालों में? आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा मैसी लुक पसंद आता है मेरे फेस पे, बाकी आपकी मर्जी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सिलाई से रिलेटेड ये ब्लाउज जो मैंने पहना हुआ है ये भी मैंने खुद से बनाया है वॉलवेट के कपड़े से। अगर आपको जानना है सीखना है तो मेरे सेकंड चैनल पे चले जाइएगा प्रीति तिवारी 2, उस पर डिटेल वीडियो अपलोड हो चुकी है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज। रात को 9 बजे लाइव जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी टिप्स होती हैं जो मैं बताते रहती हूँ।